Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So I'm back with another part 2 of my eyeshadow collection. So it's the same series, hashtag my collection series. So guys, if you haven't seen any of the volume of this particular series, then I will link all those videos in my description box below. जिसमें मैंने red lipstick collection दिखाया है, न्यूड लिपस्टिक्स कलेक्शन दिखाया है एंड मेरे और जो आई शेडोज हैं, बड़े आई शेडो पैलेट्स, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ. सो आज शेयर करने वाली हूँ सिर्फ ये सिंगल शिमरी आई शेडो कलेक्शन जो कि मेरे पास इस समय अवेलेबल है. सो इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड एंड न्यू टू माई चैनल स्टिल वॉचिंग हैव इट सब्सक्राइब यर देन टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल विद द बेल बटन नोटिफिकेशन एंड नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. टू शेड्स विथ मी इज फ्रॉम मैक एंड पहला शेड है मेरे पास ब्लैक कलर दैट इज A37 कार्बन एंड सेकेंड शेड विथ मी इज A97 एम्बार्क. दीज आर द टू शेड्स, लाइक बहुत गॉर्जियस शेड्स हैं पहली बात. एंड अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं समझ आता है कि कौन से सिंगल शेड्स उठाएं, तो ये दो वो शेड्स हैं. ये एकदम डार्क इंटेंस ब्लैक कलर है एंड ये थोड़ा सा ब्रिक ब्राउन कलर है, विच इज़ लाइक परफेक्ट टू शेड्स टू स्मोक आउट जस्ट अ लिटिल बिट. एंड ये मतलब बहुत बेस्ट है. मैं इसे अक्सर अपने ट्रिप पे ले जाती हूँ. ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, आई डू अग्री, बट ट्रेवलमेंट पे ऑफ एंड लास्टिंग पावर भी बहुत अच्छी है. कुछ कुछ शेड्स होते हैं थोड़े चौकी होते हैं और ब्लेंड नहीं होते हैं जल्दी, बट ये बहुत अच्छे हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा लगा. सो ये मेरे कलेक्शन में हर बारी आपको मिलेंगे एंड मैं जब भी कभी, जब से मैंने इसे लिया है तब से अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है एटलीस्ट. सो ये हाईली 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 रेकमेंड फॉर दीज टू शेड्स. एंड अगर आप चाहो तो इसका और भी बहुत सारे और शेड्स अवेलेबल हैं सिंगल सिंगल पैक में, तो वो भी आप देख सकते हो. एंड नाउ नेक्स्ट सिंगल शेड मेरे पास है शिमरी. ये मैट था बट नाउ नेक्स्ट इज विद मी इज शिमरी एंड फ्रॉम कीको मिलानो. एंड ये मेरे कॉपर ब्रॉन्ज, ये वो शेड्स हैं जो मैं हमेशा ही स्टॉक करती हूँ या I could not stop myself from buying them. So उनमें से एक ये शेड है. This is like perfect copperish or brownish with some shimmer in it. बहुत अच्छा सा शेड है एंड इसके जो शिमर्स है काफ़ी ब्लाइंडिंग से है. आप थोड़ा शिमर भी चाहते हो और थोड़ा सटल लुक भी चाहते हो, then this is the perfect shade. And इसका जो variant है वो just 03 mention है and बहुत gorgeous है. इसकी packaging मुझे बहुत अच्छी लगती है, classy से packaging है, see through है और टिकटॉक करके बंद हो जाती है, दैट सिक्योर्स यू कि हाँ भैया बंद हो गया अच्छे से. ओके नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज फ्रॉम वेट एन वाइल्ड एंड ये बहुत अफोर्डेबल है. ट्रस्ट मी, आई थिंक शायद 68 रुपीज़ में मुझे मिल गया था लास्ट ईयर. इसे मैंने लिया था जब मैं क्रिसमस ईव मेकअप लुक, कुछ पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करी थी एंड प्राइस में बहुत अफोर्डेबल है और पिगमेंट पे ऑफ भी बहुत अच्छी है. मैं सबकी पिगमेंट नहीं दिखा रही हूँ बट ट्रस्ट मी, जितने भी मैं आई शेडोज दिखा रही हूँ मेरे फेवरेट्स हैं और मेरे कलेक्शन में बहुत अच्छा काम करे, इसीलिए मैं उन्हें शेयर करती जा रही हूँ. अदरवाइज जो अच्छे नहीं हैं मैं आपको यहीं पर बता दूंगी कि वो मत लेना, डोंट इन्वेस्ट योर मनी बाइंग दिस. सो ये भी बहुत अच्छा है एंड इसमें अगर आपको कॉपर वगैरह और शेड्स देखने हैं तो वो देख के ले सकते हो. है ट्रेवल फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली दोनों ही हैं एंड बिगनर फ्रेंडली भी है. इसके और जो शिमर्स हैं वो काफ़ी मैनेजेबल हैं, यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली. ओके नाउ नेक्स्ट शेड विथ मी इज फ्रॉम पलाडियो एंड दिस इज अ ब्रांड दैट आई रियली ट्रस्ट फॉर आई शेडोज, लूज पाउडर. आई रियली लव दिस ब्रांड फॉर दीज टू थिंग्स. दीज टू शेड्स आर विथ मी एंड दोनों ही मेटालिक आई शेडोज हैं. जो मैंने आई शेडो वेयर किया हुआ है वो यही वाला है. इसका वेरिएंट शेड मुझे नहीं पता है, आई विल डेफिनेटली मेंशन इट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड समवेयर हियर एज वेल इसका जो शेड नेम है. एंड बहुत गॉर्जियस है, इट हैज़ दैट शीन बट इट विल नॉट पॉप दैट मच. मतलब अलग से ऐसा लाउड नहीं है, बहुत ही सटल सा इसकी जो शिमर्स हैं बहुत सटल एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग है. इट लुक्स लाइक ये ब्लेंड हो गया बिल्कुल. आप इसे फिंगर्स पे लोगे तो बिल्कुल से ऐसे आपके फिंगर में अच्छे से जस्ट सिंगल स्वाइप है ये. एंड लुक एट इट्स इंटेंसिटी ऑफ पिगमेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. हाईली हाईली रेकमेंड फॉर दीज टू मेटालिक आई शेडोज.
ये थोड़ा सा पिंकिश में है, आप थोड़ा सा सटल लुक करना चाहते हो, दिन के टाइम वेयर करना चाहते हो, लाइक ऐसा कुछ, तो आप इस वाले के लिए जा सकते हो. एंड इफ यू वांट सम लाइक स्मोकी आई एंड उसमें आपको थोड़ा सा शिमर चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. रियली अमेजिंग, रियली वेरी गॉर्जियस, बहुत ही गॉर्जियस मेटालिक कलर है. एंड नेक्स्ट आई शेडो विथ सिंगल शिमरी आई शेडो विद मी इज फ्रॉम NY Bay, एंड दीज आर द टू आई शेडोज दैट आई बॉट रिसेंटली. एंड इसे शायद मैंने अपने एक हॉल वीडियो में भी दिखाया है, आई थिंक दैट वॉज अ नायका हॉल. सो पहला है ये ब्लैक, थोड़ा शिमरी एंड थोड़ी सी ग्लिटर है इसमें, एंड दैट इज द शेड सेंट्रल पार्क 12. एंड बहुत अफोर्डेबल है ये, बहुत अफोर्डेबल था, आई थिंक शायद 102 और समथिंग लाइक दैट. अब तो और शायद इसके प्राइस डाउन हो गए होंगे. एंड नेक्स्ट अगेन फ्रॉम NY Bay, एंड ये बहुत गॉर्जियस, ये भी शेड है, थोड़ा सा ब्रॉन्जी और शिमरी सा है, अगेन अ मेटालिक आई शेडो, एंड प्राइस में काफ़ी अफोर्डेबल था. दो वेरियंट मैंने पिक किया है, दैट इज ब्रुकलिन 06, एंड लेट मी शो यू इट्स पिगमेंट एज वेल, सो दैट कि आपको लगे कि कितना क्या है शिमर. सो बहुत अच्छी सटल सी शीन है इसकी, एंड ये सिंगल स्वाइप है, देन इसकी ये इंटेंसिटी है, सो बहुत अच्छा है. एंड चंकी जैसा कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत ही सटल सी शाइन है इसकी. सो दीज आर द टू दैट आई वॉट फॉर माई सेल्फ. अदरवाइज आपको इसमें और सारे भी शेड्स मिलते हैं, एंड ग्रीन वेरियंट एंड पीची शेड्स भी मिलते हैं, सम पिंक हिंट के भी शेड्स हैं, तो आपको जो पसंद आया वो अपने लिए चूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट विद मी इज दीज टू फॉइल आई शेडोज. दीज डेज आई एम लाइक क्रेजी फॉर दीज काइंड ऑफ आई शेडोज, जो कि थोड़े फॉइल और लूज पिगमेंट्स भी कहते हैं इसे. सो सबसे पहला है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का, इसे मैंने रिसेंटली अपने नायका हॉल में दिखाया है, एंड इसकी पिगमेंट इज टू डाई फॉर. इतना गॉर्जियस सा इसका जो शीन शिमर है, इज सो ब्लाइंडिंग एंड सो गॉर्जियस, बहुत ही स्मूथ बटरी जैसा. इसको जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना अपने हैंड पे, तो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है. सो मुझे बहुत पसंद आया, एंड प्राइस में बहुत बहुत अफोर्डेबल था. एंड सेकेंड वन जो मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड की लूज पिगमेंट, ये थोड़ा सा गोल्ड और गोल्ड के हिंट में है, जो कि अगेन थोड़ा सा कॉपर के अंडरटोन में है, बट उतना ज़्यादा नहीं. एंड इसकी भी पिगमेंट, माय गुडनेस, बहुत गॉर्जियस है यार. मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं रिव्यू तो दे नहीं रही हूँ, बट देन टू ये दोनों आई शेडोज मैं हाईली रेकमेंड करूँगी. अगर आप थोड़ा सा फॉइल पिगमेंट में जाना चाह रहे हो, देन इसके लिए आप जा सकते हो. नाउ अब मैं सारे ही सिंगल आई शेडोज दिखाने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के. इससे मैंने ऑलरेडी अपने स्विस ब्यूटी के आई शेडो जिसमें मैंने सारे शेयर करे, इसमें ऑलरेडी दिखाए हुए, बट जस्ट शेयरिंग इट हेयर बिकॉज आई एम शोइंग ऑल माई आई शेडो कलेक्शन, दैट इज आई एम शेयरिंग इट हेयर. ओके, जल्दी बोल दिया. सो सबसे पहला जिसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि जाओ ही जाओ या फिर देखो ही देखो, ये वाला शिमरी, दैट इज 03 लाइट कॉपर. रियली रियली अगेन अ वेरी गॉर्जियस कॉपर शेड, जस्ट सिंगल स्वाइप, एंड इसकी पिगमेंट इज माई गुडनेस, बहुत गॉर्जियस है. सो इससे तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, आप जा सकते हो इसके लिए भी. देन अगर आपको थोड़ा ग्रीनिश शेड चाहिए, देन ये है 07C ग्रीन, एंड ये मुझसे थोड़ा सा टूट गया था, स्टिल इट हैज इनफ प्रोडक्ट इन इट कि अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट है. प्राइस में अफोर्डेबल है और आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें. देन अगेन नेक्स्ट शेड आई विल डेफिनेटली रेकमेंड फॉर यू गाइज, और जो मेरे कलेक्शन में आपको हर बारी दिखेगा, दैट इज शैम्पेन पॉल कलर, जस्ट अ सिंगल स्वाइप, बहुत पिगमेंटेड है. एंड इसका जो ये वाला वेरिएंट है सिंगल मेटालिक शेड्स में से, दैट इज 04 पीची ऑरेंज, ये मुझे उतना पसंद नहीं आया. दो इसे बहुत अच्छे से जब आप स्वाइप करोगे तो आपको थोड़ी सी इसकी शिमर या शीन या फिर प्रोडक्ट आपको अपने ब्रश पे या हाथ पे मिलेगा. सो ये उतना अच्छा नहीं लगा, जबकि ये सेम सीरीज ही है, सेम प्राइस और सब कुछ सेम है. एंड नेक्स्ट आई शेडो अगेन विद मी इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. ये है स्विस ब्यूटी मूस आई शेडो कलेक्शन सीरीज आई थी इसकी, एंड ये मुझे मैंने इसे ट्राई करने के लिए लिया था. द शेड दैट आई पिक्ड अप इज मर्मेड 06, बट ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. इसकी पिगमेंट वगैरह इज गुड, देखने में लगता ओ माय गुडनेस कितना शीन और कितना पिगमेंट देगा, बट इसकी पिगमेंट इज जस्ट ओके. इतना मैंने इसको, जैसे दो बारी मैं इसको रब करूँगी तो मुझे इतनी सी इसकी पिगमेंट मिलती है. सो इसके लिए आई वुड नॉट रेकमेंड यू दैट मच, बिकॉज ये जस्ट ओके प्रोडक्ट है, इट्स नॉट दैट मच वर्दी
आई मीन टू से। सो इसके लिए आप ना इन्वेस्ट करो तो चलेगा, इसलिए मैंने इसका कोई और वेरिएंट, कोई और शेड पिक भी नहीं किया। नाउ लास्ट टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस वीडियो इज दीज टू लिक्विड ग्लिटरी आई शेडोज, मेटालिक आई शेडोज। एंड इसे यूज करके मैंने लास्ट ईयर दिवाली मेकअप लुक क्रिएट किया था। इसे यूज करना काफी ईजी है, बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है। एंड इसके दो शेड्स मैंने पिक किए हैं, एक है 02 डायमंड डस्ट एंड सेकेंड वन इज दिस वन जो थोड़ा सा कॉपर है इज 03 शैम्पेन। एंड लिक्विड है, बहुत आसानी से सूख जाता है, इट्स ईजी टू हैंडल इट। एंड अगर आप जब आपको बहुत जल्दी में हो और झटपट कोई लुक क्रिएट करना चाहते हो तो वो वाला वीडियो आप मेरा देख लेना, बहुत ईजिली वो लुक मैंने क्रिएट किया है। एंड इट्स लाइक दैट इजी कि इवन अ बिगनर कैन क्रिएट दैट लुक, और इन आई शेडोज को ही यूज करके क्रिएट किया है। So guys, that's it for today's video. That was all stuff I have with me in my eyeshadow collection. I hope you find this video helpful for yourself. So if you did, then what you need to do is like, share and subscribe to my channel if you haven't already. And yes guys, इसी तरह से मैं अपनी series में और भी products दिखाने वाली हूँ, like highlighters and foundation. Yes, I still remember कि मुझे foundations दिखाने हैं अपने सारे. So soon I'll come up with such videos as well. And still if you have any query and you have any doubts regarding all those eyeshadows that I have shown in this video, then definitely आप मुझे comment section में अपनी query डाल सकते हो. I will definitely up that query as soon as possible. If not, then might be I'm busy somewhere, so no need to worry, main definitely use the answer kar dungi. And yeah guys, that's it, see you soon with another video. Till then you guys take care, stay healthy and stay safe. Bye bye. Yes, if you guys are not following me on Instagram, then follow me there. Wahan pe main kafi sare updates share karti rehti hu. लाइक अगर मैंने कोई आई शेडो या फिर कुछ भी नया स्टफ लिया है तो मैं वहां पे जरूर शेयर कर देती हूँ, इवन इफ अगर मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं होती हूँ. इंस्टा आईडी एंड हैंडल आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा मेरे स्क्रीन पे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा. सो फॉलो मी देयर एंड यस, सी यू सून. टिल देन टेक केयर.